Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, I will be telling you what I had for my breakfast last week. तो इसमें काफी different cuisines हैं breakfast के लिए, काफी different ideas हैं for all of you, जिसमें मैंने 7 days के लिए आपको बताया कि आप क्या क्या breakfast अपने लिए बना सकते हैं. इसमें काफी different cuisines भी हैं, जैसे राजस्थान cuisine, गुजराती cuisine या फिर साउथ इंडियन cuisine, और साथ ही साथ काफी healthy options भी हैं. So if you are interested, then please keep watching this video and also make sure you are subscribed to my channel. Now let's begin. Hi everyone, it's Monday and no Monday blues for us because I'm going to have dosa for the breakfast. Masala dosa hum khane wale hain. To main bahut badi fan nahi hu South Indian cuisine ki. Mere brother aur meri jo mom hai wo bahut zyada bade fan hai. But main agar ghar mein banta hai to main kha leti hu, par agar main restaurant mein jaati hu to main kabhi apne liye khud se dosa ya idli wagera order nahi karti hu. To aaj hamare ghar mein banne wala hai. To jab main so ke uthi to sambar aur chutney mom ne already taiyar kar diye hain, to wo main aapko nahi dikha paungi. Iski main recipe aapko puri de dungi description box mein ingredients. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हम स्टफिंग जो मसाला है उसे कैसे बनाते हैं और साथ में डोसा कैसे बनाते हैं. तो चलिए देखते हैं. फॉर माई डोसा बैटर आई एम गोइंग टू टेक एन इंस्टेंट मिक्स फ्रॉम आरोग्या. यू कैन यूज एनी बैटर दैट यू लाइक. इन दिस बैटर यू डोंट हैव टू मिक्स एनीथिंग. आप चाहो तो थोड़ा सा वाटर इसमें मिक्स कर सकते हो. उसके बाद इस तरह से हम डोसा बना लेते हैं. माई मॉम यूजेज दिस बोल टू गिव इट अ परफेक्ट शेप. अच्छे से वी विल कुक आवर डोसा फ्रॉम बोथ दिस साइड्स. आप चाहो तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हो. क्योंकि हम मसाला डोसा बना रहे हैं तो इसकी जो स्टफिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है. हम डाल रहे हैं मसाला आलू जो हमने पहले से ही बना लिए थे. स्टफिंग डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर देंगे फोल्ड एंड आवर मसाला डोसा इज रेडी. इसमें सांबर और कोकोनट चटनी भी होममेड है. मैं रेसिपी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में. काफी फुलफिलिंग ये पूरा ब्रेकफास्ट हो जाता है. तो आप चाहें तो इसे ब्रंच में भी खा सकते हैं. यू कैन स्किप योर लंच. काफी डिलीशियस ये लगता है. आप चाहें तो इसमें 2-3 चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड वाली चटनी या फिर ग्रीन वाली चटनी. इट्स ट्यूजडे गाइज. कल अगर हमने खाया था साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, टूडे इट्स गुजराती ब्रेकफास्ट और हम खाने वाले हैं हांडवो. सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप सूजी, 1/2 कप बेसन, 1/2 कप कर्ड. अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर टू मेक अ बैटर. हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसे थोड़ा सा टाइट रखना है, मतलब गाढ़ा रखना है. आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या कंसिस्टेंसी होगी. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे. थोड़ा सा हम इसमें वाटर और ऐड करेंगे. ध्यान रखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी, ज्यादा पानी ना डालें. क्योंकि हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सो वी आर गोइंग टू ऐड सम वेजीज इनसाइड इट. हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप ग्राइंडेड कैरेट एंड 1/2 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम. यू कैन ऐड मोर वेजीज इनसाइड इट. अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स. फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड 3/4 टीस्पून इनो और बेकिंग सोडा और इस बैटर को हम साइड में रख देंगे 10 मिनट्स के लिए. बैटर हमारा हो गया है रेडी. आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी टाइट है. पैन को कर लेंगे हम हीट और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा एंड 1/2 टीस्पून तिल. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर बैटर और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे. कवर योर पैन विद अ लिड एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा हांडवो एक तरफ से हो चुका है कुक. अब हम अपने हांडवो को दूसरी साइड से कुक करेंगे. तो उसके लिए गैस को कर दीजिए बंद और या तो आप स्पैचुला से डायरेक्टली इसे दूसरी साइड में टर्न कर दें या फिर आप इस तरह से प्लेट की हेल्प लें, क्योंकि वैसे ही टर्न करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि काफी फ्लफी है. और प्लेट में इसे साइड में रख दें. इन द मीनवाइल हम फटाफट से अपने पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे. इसमें हम वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने पहले डाले थे, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून तिल. और इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे फॉर अबाउट अ मिनट. अब हम इसमें अपने हांडवो को वापस से ट्रांसफर करेंगे उस साइड से जहां से वो कुक नहीं हुआ था और इसे भी कुक कर लेंगे फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स हो चुके हैं एंड आवर हांडवो इज परफेक्टली कुक्ड नाउ. लुक एट इट्स लेयर गाइस, कितना ज्यादा ये क्रिस्पी लग रहा है. हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट आप इसे एक बार बना के देखो, बहुत ही इजिली बनेगा. वी आर गोइंग टू कट इट इन टू पीसेस. आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर इंजॉय कर सकते हैं इसे अपनी इवनिंग चाय के साथ. आई प्रीफर टू हैव हांडवो विद टमाटो केचप. आप चाहें तो इसे गुजराती कड़ी या फिर पुदीना चटनी के साथ भी खा सकते हैं.
Good morning, guys. No midweek blues for us because we are going to have Radha Vallabhi Kachori. So, ये कचौड़ी basically दाल से बनती है, चने की दाल से, and मेरी मॉम उसे बहुत ज़्यादा tasty बनाती हैं. तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है और कैसे मसालेदार हम आज ये कचौड़ी खाने वाले हैं. काफी heavy होने वाले breakfast. तो चलिए देखते हैं. हम लेंगे एक कप चने की दाल जिसे हमने 2 घंटे भिगो लिया था और फिर बॉईल कर लिया था. इसे हमने सीव भी कर दिया था टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर. इसे हम कर लेंगे ग्राइंड. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग, 1 टीस्पून अजवाइन and 1/2 teaspoon black pepper. Now we are going to add 1 small finely chopped onion, 2 tablespoon coriander leaves and we are going to mix this. तो ये है हमारी filling जो हो चुकी है ready. Now we are going to take our कढ़ाई और उसके अंदर हम add करेंगे oil. अब जैसे आप normally अपनी कचौड़ी के अंदर filling करते हैं उसी तरह हम filling करेंगे और अपनी कचौड़ी को cook कर लेंगे. और ये हमारी राधा वल्लभी हो चुकी है तैयार. काफी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है. आई एम गोइंग टू एंजॉय माय राधा वल्लभी विद सम रायता एंड शेजवान सॉस. आप चाहें तो इसे किसी चटनी के साथ जैसे पुदीना चटनी, अचार या फिर किसी और रायता के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं. Hi guys, it's Thursday. क्योंकि कल का हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी था तो आज हम खाएंगे हेल्दी वर्मासिली जिसके अंदर हम डालेंगे काफी सारी वेजिटेबल्स. तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी. हम लेंगे रोस्टेड वर्मासिली 2 कप जिसे हम कर लेंगे बॉयल. नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 टेबलस्पून ऑयल इन आर कढ़ाई. इसमें वी आर गोइंग टू एड 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 मीडियम अनियन फाइनली चॉप्ड, 1 small chopped potato, 1 small finely chopped carrot, 2 tablespoon मटर and 1 green chili. अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और भी ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं और वेजिटेबल्स और पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू एड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर. कवर द लिड एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम फॉर अबाउट 10 मिनट्स. आप चाहें तो इसमें और मसालास भी ऐड कर सकते हैं. मुझे पर्सनली ये थोड़ी कम मसाले में पसंद है. हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए तो उसके लिए हम अपने आलू को कट करके देखेंगे. जब वेजिटेबल्स अच्छे से हो जाएंगी कुक वी आर गोइंग टू ऐड आवर बॉइल्ड वर्मासिली एंड वर्मासिली को अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ कर देंगे मिक्स एंड आवर वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी वर्मासिली इज रेडी. क्योंकि इसमें काफी सारी वेजीज हैं और हमारी जो वर्मासिली है वो भी सूजी की बनी है तो ये काफी हेल्दी रहता है एंड साथ ही साथ काफी टेस्टी भी लगता है. इट्स फ्राइडे गाइस और अभी हम बनाते हैं क्विक सा ब्रेकफास्ट जिसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. तो चलिए बनाते हैं बर्गर विद सम फ्राइज. क्योंकि हम एक क्विक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं सो वी आर गोइंग टू टेक सम फ्रोजन टिक्कीज एंड दीज बर्गर बन फ्रॉम ब्रिटेनिया. वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमारे पास यही अवेलेबल थी. बर्गर की एक साइड पे हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर एंड देन वी आर गोइंग टू स्प्रेड सम होममेड पुदीना चटनी. अब हम ऐड करेंगे अपनी वेजीज, देन आवर फ्रोजन टिक्की जिसे हमने फ्राई कर लिया था एंड दूसरी साइड हम लगाएंगे थोड़ा सा टमाटो केचप. इसे हम सिक्योर कर लेंगे यूजिंग अ टूथपिक. फ्राइज के लिए भी आई एम गोइंग टू यूज फ्रोजन फ्राइज फ्रॉम मैकेन. फ्राइज पे हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे फॉर दैट एक्स्ट्रा स्वाद. इसे हम एंजॉय करेंगे शेजवान सॉस एंड सम होममेड पुदीना चटनी के साथ. जब आपको ब्रेकफास्ट में ज्यादा मेहनत करने का मन ना हो तो आप ये वाला इंस्टेंट ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हैं. आप चाहें तो इसमें एक स्लाइस पनीर या चीज की भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसके साथ कोक पियेंगे तो ये तो एकदम परफेक्ट हैप्पी मील बन जाएगा. Hi guys, it's Saturday. Today we are going to have some paneer sandwich and poha in breakfast. ये वाली रेसिपी भी काफी क्विक बन जाती है तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी. सबसे पहले हम अपने स्लाइस पे बटर स्प्रेड कर देंगे. Then we are going to add some homemade पुदीना चटनी. Second स्लाइस पे I will add tomato ketchup.
Now we are going to add some vegetables in this sandwich. आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद की वेजिटेबल्स एड कर सकते हैं. आई एम एडिंग सम बॉइल्ड पोटैटोज, कुकुम्बर, अनियन एंड टमाटो. We are going to sprinkle some chaat masala and black pepper, a pinch of salt. Then we are going to add a slice of paneer, जो कि homemade है. इसके ऊपर भी हम chaat masala sprinkle करेंगे and black pepper. We are going to transfer it in our toaster. And it's ready. It takes hardly 5 minutes और काफी tasty ये sandwich लगता है. मेरी मॉम ने पोहा भी बना लिया था तो आई एम गोइंग टू ऐड दैट टू. एंड आवर परफेक्ट सैटरडे ब्रेकफास्ट इज रेडी. आप इसे पुदीना चटनी या फिर शेजवान सॉस या टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं. काफी डिलीशियस ये ब्रेकफास्ट लगता है. इट्स ग्रैंड फिनाले संडे और आज हम खाने वाले हैं एक स्पेशल ब्रेकफास्ट जो काफी हैवी होने वाला है, काफी ऑयली होने वाला है, क्योंकि आज है संडे फंडे, मतलब आज हम खाएंगे ब्रेड पकौड़ाज. ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 कप बेसन, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन एंड सॉल्ट स्वाद अनुसार. 1 स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे. देन वी आर गोइंग टू ऐड सम वाटर एंड वी विल मेक अ स्मूथ बैटर. बैटर हमारा इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू टेक ब्रेड. तो हम ले रहे हैं व्हाइट ब्रेड, क्योंकि जब भी कुछ ऑयली बनाना होता है तो वी टेक व्हाइट ब्रेड, क्योंकि ब्राउन ब्रेड थोड़ा सा ऑयल सोक कर लेती है. जो इसकी स्टफिंग है यानी कि आलू, वो हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था. आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मसाला डाल के रेडी कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ कढ़ाई और इसमें हम अराउंड 2 to 3 कप्स ऑयल डालेंगे. ब्रेड में वी आर गोइंग टू पुट दी स्टफिंग और इसे बीच में से कट कर लेंगे. अब हम अपनी ब्रेड को अच्छे से बेसन में कोट कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फ्राई इट. अराउंड 5 to 6 मिनट्स लग जाते हैं इन्हें अच्छे से फ्राई होने में. हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था जो है अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, जिससे ये काफी फ्लफी बने हैं. And our very delicious bread pakoras are ready. You can have it with pudina chutney and tomato ketchup. थोड़ा सा ये heavy breakfast हो जाता है और इसे खा के नींद भी काफी आती है, पर कभी कभी तो चलता है ना. And we are going to end our video with some ठंडा ठंडा mango shake. That's it for today's video, guys. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मैं इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं काफी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी अगर आप इनमें से कोई भी रेसिपी रिक्रिएट करते हैं. सो डू शेयर द पिक्चर विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर लेना. लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में. साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.